एशिया कप 2022 के सुपर फोर के सारे मुकाबले हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, और इसके बाद सुपर फोर के बाद हमें जो दो फाइनलिस्ट टीमें देखने को मिली हैं वो हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की। लेकिन एशिया कप के फाइनल होने से पहले ही पूरी की पूरी भारत और पाकिस्तान फाइनल की उम्मीदें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि भारत की टीम सुपर फोर में हारने के बाद एशिया कप से बाहर हो चुकी है। लेकिन जो एशिया कप का फाइनल इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें 11 तारीख को फाइनल देखने को मिले, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थी एशिया कप को जीतने की, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और इसकी वजह से क्योंकि फाइनल भारत और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अब क्योंकि दो कम पॉपुलर टीमों श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलने वाला है, और इसकी वजह से भारत का फाइनल में ना होना काफी सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो टिकट्स के ऊपर बहुत ही बुरा फर्क पड़ा है। अभी तक सिर्फ 30% टिकट ही हमें सोल्ड आउट होते हुए देखने को मिली है, वो भी एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के लिए। इसके साथ ही व्यूअरशिप पर भी काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के जो मुकाबले हैं वो 40 लाख से लेकर 60 लाख तक ही लोग देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला होता तो फिर वो हमें आसानी से 1.3 या फिर 1.4 करोड़ लोगों के द्वारा देखने को मिलता। तो ऐसे में भारत के फाइनल में ना जाने की वजह से ना सिर्फ एशिया काउंसिल को बल्कि इसके साथ ही ब्रॉडकास्टर्स को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला देखना चाहते थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।